जब से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से पूरा देश राममय हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के गांव गांव से लेकर शहर शहर में राम लहर देखने को मिल रही है। सदन में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों की कहानी को बयां किया। कैसे राम मंदिर के जरिए पीएम मोदी ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया, कैसे जो वादा किया उसे करके दिखाया। देखिए, ये जो 20 से 24 की यात्रा है वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा पूरा आंदोलन, मान्यवर, जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं, मान्यवर, कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब, जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तिलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं, हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझ कर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं, मान्यवर, कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई की लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चलू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है, उनकी आज आशा आकांक्षा सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे, 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को
विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए संवैधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला। राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है, अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं, और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। और रामायण को अलग कर देखा ही नहीं जा सकता, कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, उड़िया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण, और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी अनमन जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तापित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है, दशकों तक
ये लड़ाई चली मान्यवर दशकों तक लड़ाई चली, लगभग लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है, जब से अंग्रेजों का शासन था 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हैं। मान्यवर 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन से अनिभिक होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।